हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लास्ट लेक्चर में तो मैंने कहा था कि मुझे आप लोगों को मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना का निकालने के वाला थ्योरम बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना का थ्योरम बताना है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस बता रही हूँ। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो निकालेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, उसमें हमें इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। किस थ्योरम की? तो ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में ही आता है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है 2011, 2016, 2009 में, ठीक है। तो हम लोग आज ही इसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसे, अच्छा पूरा डिस्कस करके अच्छे समझ लेते हैं। उसके बाद इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो क्या है हमारा थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, लेमिना मतलब वही कागज की तरह पतला, ठीक है, कोई लेमिना है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेमिना के अबाउट परपेंडिकुलर एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस इज द प्लेन दैट इंटरसेक्ट ऑन द फर्स्ट एक्सिस। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? हमारे स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी एक प्लेन लेमिना का उसके किसी एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस, किसी एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उस पर परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? लेमिना पर परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस प्लेन पर, उसका सम जो होगा ना, उसका सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन। तो इस प्लेन लेमिना पर कोई एक्सिस है, दो एक्सिस जो एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, उसके उन दोनों के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, ठीक है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यही है। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा उतने अच्छे से मुझे ऐसा लगता है। तो है बात यहाँ पे ये कि अगर देखिए यहाँ फिगर है ना, देखिए बात ये है कि अगर कोई लेमिना है, ऐसा लेमिना है, ठीक है, बहुत पतला सा, ठीक है, इस पर कोई दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इन दोनों एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इन वाई एक्सिस के अबाउट कोई यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें निकलेगा इस प्लेन लेमिना पर, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, और ये दोनों एक दूसरे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये हैं दोनों एक्सिस, ठीक है, आप लोग देख रहे। और अगर अब क्या होगा, अगर और क्या हो सकता है, और अगर मान लीजिए कोई एक एक्सिस परपेंडिकुलर इस पर आ गया, ठीक है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, जो ये एरो नहीं लेना है मुझे, ये एरो नहीं लेना, ले भी सकते हैं, मुझे नहीं लेना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, लेंगे पर थोड़ा में है, तो ये परपेंडिकुलर एक एक्सिस अगर है तो इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो निकलेगा ना, वो जो होगा इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है हमारे प्लेन लेमिना का, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है प्लेन लेमिना का, उस दोनों के सम के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो क्या है इसमें कि मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है,
तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों पर, तो आई जेड जो होगा वो जो होगा आई एक्स प्लस आई वाई होगा, ठीक है, यही होगा हमारा। तो चलिए हम लोग आगे अब इसके प्रूफ देखते हैं और फिगर को समझते हैं, ठीक है। तो समझा हुआ ये आप लोग, अभी मैंने जैसे बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये है हमारा लेमिना, ठीक है, ये गोल स्फेरिकल लेमिना हमने लिया है, ठीक है। तो इस पर जो है ये आई वाई नहीं सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दो एक्सिस है इस लेमिना का, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया है पी एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस ये एक्स है और ये वाई हो गया, ठीक है, और ये 90 डिग्री पर है, दूसरे म्यूचुअल परपेंडिकुलर ओरिजिन हमारा ओ है। इस पर एक परपेंडिकुलर है इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट पर, एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, जिसे हमने जेड एक्सिस मान लिया, ठीक है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है हमारा, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ऑन द प्लेन ऑफ द लेमिना, ठीक है। तो है ये ओ एक्स एंड ओ वाई विद द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, ये तो बताया ही मैंने आप लोगों को, ओ एक्स और ओ वाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लेमिना, लेमिना में, ठीक है। कंसिडरिंग ओ एज द ओरिजिन, ये है यहाँ ओरिजिन, एंड ओ एक्स ओ वाई एज द रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है हमारा, ठीक है। टेकिंग ए एन एलिमेंट ऑफ मास एम ऑफ द लेमिना एट पी एक्स वाई, ठीक है, यहाँ एम मास का कोई एलिमेंट है पी एक्स वाई, ठीक है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द एलिमेंट एम एक्स वाई अबाउट ओ एक्स इज गिवन बाय एम वाई स्क्वायर, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, फोर्स इंटू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ देखिए फोर्स हमारा, फोर्स नहीं मास इंटू, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, अगर आर है तो आर स्क्वायर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मास एम है स्मॉल एम, और परपेंडिकुलर क्या है, देखिए एक्स एक्सिस पर क्या परपेंडिकुलर है, वाई है, वाई डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो ये वाई हो गया। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा इस पार्टिकल का, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एम इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका एक का एम वाई स्क्वायर हो गया, तो टोटल का अगर अलग अलग पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे पॉइंट का, इस लेमिना पे जितने पॉइंट सब पे एक एक करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं एक का निकाल के, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे उस एक्सिस के अबाउट, निकल जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं यहाँ पर भी, देखिए किसी एक पार्टिकल का अबाउट ओ एक्सिस गिवन बाय एम वाई स्क्वायर, सो द होल लेमिना अबाउट ओ एक्सिस गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द होल लेमिना आई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द होल लेमिना अबाउट एक्सिस ओ वाई इज गिवन बाय आई वाई इज इक्वल समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी तो है ना, ये इस एक्सिस के लॉन्ग जब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के लॉन्ग, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना मोमेंट मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो वही वहाँ हुआ है, और तब हम जब टोटल लेमिना के सारे पॉइंट का निकालेंगे इस ओ एक्सिस के लॉन्ग, तो समेशन लग जाएगा हमारा, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमारा हो गया ये आई वाई, ठीक है, आई वाई इक्वल समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, वन और टू हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंसिडरिंग एन एक्सिस ओ जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन ओ, देन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द लेमिना अबाउट ओ जेड इज गिवन बाय, चलिए देखिए क्या है हमारा, ओ जेड जो है, देखिए ये ओ जेड कंसिडर किया हमने परपेंडिकुलर है इन दोनों पर, ठीक है, लेमिना पर भी परपेंडिकुलर है, इन दोनों एक्सिस के मीटिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेमिना, यहाँ हमने लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है ये लाइन, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, तो क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, देखिए मास तो होना ही है, जो मास होगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को होल स्क्वायर, देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, देखिए पी पॉइंट का, एक पॉइंट का ही नंबर निकालते हैं, इस पॉइंट का जो है
डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ ओपी देखिए है हमारा ओपी इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ओपी है तो क्या हो जाएगा मास इनटू ओपी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो चलिए भाई हमने यहाँ पे किया समेशन कर दिया किसी एक पार्टिकल का होगा ना वो ये जो हमने बताया मास इनटू ये मास इनटू ओपी का स्क्वायर किसी एक का हो गया और अगर टोटल पार्टिकल का हम लोग निकालने लगे सारे पार्टिकल का ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा जैसे ऐसा डिस्टेंस होगा यहाँ पार्टिकल है यहाँ पार्टिकल है यहाँ पार्टिकल है यहाँ पार्टिकल है ऐसा ऐसा तो हम लोग समेशन लगा देते हैं तो सारे का निकल जाता है सारे पार्टिकल का तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समेशन लगा दें समेशन ऑफ एम ओ पी का होल स्क्वायर अब समेशन ऑफ एम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर क्या होगा भाई देखिए यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से डिस्टेंस इसका वाई है और यहाँ से एक्स है ठीक है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स है तो ओ पी डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं ना ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ही वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर होता है ठीक है तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा नेक्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर हमारा ओ पी का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आ गया ना यही हमारा वहाँ आया है देखिए यहाँ पर हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ पी स्क्वायर तो समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स देखिए यहाँ हमारा है ना आई एक्स का वैल्यू तो ये था समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर और आई वाई का वैल्यू एम एक्स स्क्वायर तो देखिए हमारा एम एक्स स्क्वायर हो गया आई वाई और ये हो गया आई एक्स यूजिंग वन एंड टू वन और टू को हमने यूज़ कर लिया तो हमारा क्या आ गया इक्वेशन देखिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आ गया हमारा इक्वेशन था तो यही तो हमें से करना था लाना था इक्वेशन इक्वेशन थ्री जस्टिफाइज द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यही तो हमें लाना था तो आ गया कितना ईजिली आ गया ना बहुत ईजी था ये थ्योरम बहुत ज़्यादा ईजी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए जैसे बहुत जगह हमें क्वेश्चन यूज भी होता है चलिए यूज़ हम इसका एक एक जस्ट अभी देखते हैं ये वाला थ्योरम देखिए ठीक है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मास एम एंड साइड्स ट्वाइस ए तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एग्जाम्पल या फिर अभी देख लें चलिए अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसी में देख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मास एम एंड साइड्स ट्वाइस ए एंड ट्वाइस बी किसके अबाउट निकालना है अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू ए साइड ठीक है ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन देखिए यहाँ पे हमारा आ गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ठीक है ये वाला तो नॉर्मली है हमारा ठीक है फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्या है क्वेश्चन ठीक है तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मास एम एंड साइज ट्वाइस ए एंड ट्वाइस बी ठीक है किसके अबाउट निकालना है ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर जो उसके सेंटर से होकर जाता हो और उसके साइड के पैरेलल हो देखिए ये लाइन जो जा रहा है हमारे सेंटर से होकर जा रहा है सेंटर से होके जा रहा है और क्या है पैरेलल भी है इसके साइड के ये ए बी के और नीचे जो हमारा है सी डी के पैरेलल है ये लाइन हमारा और देखिए एक ही थोड़ी है ये लाइन पैरेलल जो हो पैरेलल तो ये भी है ना ये भी तो जा रहा है आई वाई जिसे हम कंसिडर करेंगे ये भी तो पैरेलल है हमारे साइड ये ए डी और बी सी के पैरेलल है ना तो यही दोनों हमारे एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है और फिर ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन तो हम यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं ये एक्सिस जो परपेंडिकुलर है इन दोनों की मीटिंग पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ठीक है और इसके सेंटर्स होके जाता है सेंटर्स होके जाता है यानी सेंटर पर यहाँ ये रहा हमारा सेंटर ये हमारा सेंटर रहेगा तो सेंटर्स होके जाता है और परपेंडिकुलर भी है इस प्लेन पर तो यही हो गया अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस में कि ऐसा ही होता है सेम टू सेम तो वहीं का थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे पहले हम लोग वन नंबर निकालते हैं कि लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू साइड इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा ठीक है तो देखो
लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स ट्वाइस ए एंड ट्वाइस बी, देन इट्स मास इज गिवन बाय, देखिए इसका लंबाई है ट्वाइस बी एंड ट्वाइस ए, तो इसको अगर हम लोग हाफ हाफ बांट दें तो ये बी बी हो जाएगा, ये बीच का मिडिल पॉइंट पे अगर, और ये ए ए हो जाएगा हाफ हाफ अगर है ये, तो ठीक है एकदम मिडिल पे हमने लिया ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, तो इसमें ये रेक्टेंगुलर लैमिना है तो ये तो एकदम कागज की तरह पतला हो तो इसका थिकनेस भी निगलिजेबल होता है, ठीक है तो इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ट्वाइस इंटू ट्वाइस बी इंटू डेंसिटी रो हो गया, तो मास हमारा ये निकल गया, ठीक है वेयर रो इज द मटेरियल डेंसिटी ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है चलिए हम लोग डेंसिटी माने हुए हैं रेक्टेंगल का, ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डस बी द टू लाइन्स थ्रू इट्स सेंटर ओ एंड पैरेलल टू इट्स साइड, ठीक है भाई हमने वही तो किया है यहाँ पर कि ये पैरेलल है हमारे साइड के, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, ठीक है ओ है हमारा, ठीक है तो ये पॉइंट ओ है, तो एक्स ओ एक्स डैस हमने लिया है ना, एक्स ओ एक्स डैस, हाँ भाई ये तो आप लोग नोन है ना यहाँ पे, इधर तो ये एक्स डैस हो जाएगा और इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दे तो ये वाई डैस हो जाएगा, ठीक है तो एक्स ओ एक्स डैस लिया है इसके पैरेलल साइड के और ये वाई ओ वाई डैस लिया है इसके पैरेलल, ठीक है तो चलिए ले लिया टू इट्स साइड, कंसिडरिंग ओ एज द ओरिजिन, ठीक है ये तो है ही एक्स ओ एक्स डैस वाई ओ वाई डैस एज द रेक्टेंगुलर एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है रेक्टेंगुलर एक्सिस है हमारा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द रेक्टेंगल अबाउट एक्स ओ एक्स डैस, अब हमें एक्स ओ एक्स डैस के अबाउट निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्सी, मोमेंट ऑफ इनर्सी के लिए एक्सिस तो जरूरी है ही हमारे लिए, तो फिर हमारा यही एक्सिस एक्स ओ एक्स डैस किधर है भाई, एक्स ओ एक्स डैस तो ये हमने बढ़ाया था इसको एक्स डैस लिया था, तो ये एक्स ओ एक्स डैस के अबाउट हमें निकाला मोमेंट ऑफ इनर्सी, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सी एक्स ओ एक्स डैस के अलाउ कैसे निकलेगा, देखिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक के स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं पैरेलल टू बी सी कह सकते हैं एग्जैक्ट पैरेलल टू बी सी, ठीक है एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं जिसका विड्थ जो है डेल्टा एक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालने के लिए हम यही करते हैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसे बांट देते हैं डिवाइड कर देते हैं उसके बाद एक का निकालते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे का निकल जाता है, ठीक है तो हम लोग पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें निकालना होगा, ठीक है देखिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ कंसीडर कर रहे हैं फाइंड करना डिवाइडिंग द रेक्टेंगल इनटू स्ट्रिप पैरेलल टू ए डी एंड बी सी, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कंसीडरिंग एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स एंड पी एक्स बी हुज मास इज गिवन बाय, देखिए जिसका विड्थ जो है डेल्टा एक्स है और ये पॉइंट जो होगा वो ए ए तो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है पी एक्स वाई पॉइंट है यहाँ पर पी एक्स बी भी हम लोग कह सकते हैं ये डिस्टेंस जो है हमारा ये तो बी है ना तो यहाँ पे हम लोग ये भी करते हैं पी एक्स बी, ठीक है ये जो मैंने नोट किया हुआ है स्पेस में बट यहाँ पर एक्स वाई भी है तो वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया बस ये किया हमने, ठीक है तो अब हम लोग यहाँ लाते हैं आते हैं तो इसका मास क्या होगा, मास क्या होगा तो इसमें क्या है इसमें लंबाई है और चौड़ाई है तो मास तो उसका निकल जाना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लंबाई क्या है ट्वाइस बी है और चौड़ाई क्या है डेल्टा एक्स तो ट्वाइस बी इंटू डेल्टा एक्स होना चाहिए, चलिए मास हम लोग देखते हैं क्या है इसका मास वही तो है हमारा ट्वाइस बी इंटू डेल्टा एक्स इंटू रो डेंसिटी, मास बराबर हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इन डेंसिटी तो वही हमारा ट्वाइस बी इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम बाई फोर ए बी हो गया, ये रो का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं यहाँ से आया है यहाँ से रो इज इक्वल टू एम बाई फोर ए बी, ठीक है तो ये आ गया हमारा ट्वाइस बी बाई फोर ए बी डेल्टा एक्स एम एम बाई ट्वाइस ये तो कट होकर के हो गया इंटू डेल्टा एक्स, अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू अबाउट द लाइन एक्स ओ एक्स डैस इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रड, ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रड जो होता है वो थ्योरम है जो मैंने आप लोग बताने क्वेश्चन में आया नहीं था लेकिन होता ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रड, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द रड जो है ये अगर हमारा एक्सिस क्या है ये एक्सिस है
मैं आप लोगों को पहले बता रही थी ना, एक थ्योरम करना चाह रही थी ना, वही था ये। ठीक है, एक्सिस है अगर उस पर परपेंडिकुलर है हमारा रड, ठीक है, उस एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर है, जैसे हमारा ये एक्सिस है उसी पर परपेंडिकुलर है ना, ये उसके बीचों बीच होके गुजर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना वो होता है 1/12 मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/12 में तो वही एक पार्टिकल का हो जाएगा, यही यहाँ पे हम भी कर रहे हैं 1/12 मास का के जगह डेल्टा एम हो जाएगा, और एल लेंथ इसका क्या है, ट्वाइस बी, तो ये ट्वाइस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे, देखिए तो यही हो गया इसका 1/12 मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, मास के डेल्टा एम है, ट्वाइस बी का होल स्क्वायर हो गया हमारा, तो डेल्टा एम का वैल्यू हम लग दिया एम बाई ट्वाइस इंटू डेल्टा एक्स का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया 1/6 ए एम बी स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक का निकल गया ये एक ये स्ट्रिप का। ठीक है, अब हम लोग को तो इतने सारे बहुत सारे स्ट्रिप्स में हमने डिवाइड किया है इसे, बस एक स्ट्रिप में थोड़ी डिवाइड किया है, तो बस हमने दिखाने के लिए एक लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हमारा बहुत सारा स्ट्रिप है ना, तब ना ये स्ट्रिप ऐसा स्ट्रिप ऐसा स्ट्रिप में बहुत सारे में पार्ट में स्ट्रिप में हमने बांटा हुआ है, तो फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो हमारे स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके आगे तो हम लोग नहीं ले सकते ना, यहीं से यहाँ तक लेंगे ना हम लोग स्ट्रिप पैरेलल लेते हुए। तो यहाँ क्या है हमारा, माइनस ए है, और ये क्या है हमारा, ए है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अपोजिट में है, ये तो माइनस होता है ना इधर, और इधर ये प्लस, तो माइनस ए से ए है हमारा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर ले लिए इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एम बी स्क्वायर बाय सिक्स ए डेल्टा एक्स, तो एम बी स्क्वायर बाय सिक्स ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया डेल्टा एक्स हो गया, डी एक्स हमारा इंटीग्रेशन में तो डी एक्स हो जाता है ना आप लोगों को मालूम है, फिर ये निकल गया हमारा ट्वाइस ए, तो ये कट होकर के क्या निकला इसका वैल्यू 1/3 एम बी स्क्वायर 1/3 एम बी स्क्वायर, ये निकला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सो एक्स डैश, जो हमें वन नंबर में निकालना था पैरेलल टू इट्स साइड्स। ठीक है, इन थ्रू इट सेंटर। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स के अलॉन्ग निकल के, अब सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ना वाई डैश के अलॉन्ग भी, दोनों में तो सिमिलर केस है, तो सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रेक्टेंगल अबाउट वाई ओ वाई डैश इजक्ल टू 1/3 एम ए स्क्वायर। अब आप लोग इसे सिमिलरली करके लिख भी सकते हैं, यहाँ बी स्क्वायर होती है एम ए स्क्वायर के, या निकालने का मन हो आप लोगों तो निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, निकालने के लिए आपको यहाँ भी एक पैरेलल स्ट्रिप लेना होगा, यहाँ लीजिए या यहाँ पॉजिटिव साइड में ले लीजिएगा, पैरेलल स्ट्रिप ले लीजिएगा और उसका ये रख दीजिए, ये विड्थ डेल्टा वाई ले लीजिएगा और तो और इंटीग्रेट कर दीजिएगा बी माइनस बी से माइनस बी टू बी, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके। ठीक है, सारा प्रोसेस वही होगा जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने निकाला, तो दो बार करना उतना ज़रूरी नहीं है, बट आप लोग चाहो तो कर सकते हो, तो मैंने यहाँ सिमिलरली कर दिया। ठीक है, चलिए अब एक नंबर तो हमारा सॉल्व हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल अबाउट वाई ओ वाई डैश इज इक्वल टू 1/3 एम ए स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, टू नंबर क्वेश्चन, दोनों पैरेलल एक्स पैरेलल के अबाउट निकाल लिया हमने, जो कि पैरेलल टू साइड है एंड थ्रू इट सेंटर से होता हुआ जा रहा है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन, जो इसके सेंटर से होकर के भी गुजरता हो और इस दोनों के मीटिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर, इसी वही तो था हमारा थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए क्या था, ऑफ प्लेन लेमिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन दैट इंटरसेक्ट ऑन द फर्स्ट एक्सिस। देखिए यहाँ फर्स्ट एक्सिस, देखिए यहाँ पे दो एक्सिस है प्लेन का, जो कि दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस पर एक तीसरा हम लोग लेते हैं, इस पर एक तीसरा हम लोग लेते हैं, ये मान लीजिए यही है हमारा ओ से होता हुआ जाता है। ठीक है, ओ से होता हुआ जाता है ये पॉइंट, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या होता है फिर परपेंडिकुलर एक्सिस, हम लोग जानते हैं कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, इसके सम के बराबर होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे आई जेड, उसे अगर जेड एक्सिस मान लिया जाए, तो देखिए
ये हमने किया ना, द मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स ओ एक्स डैश प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वाई ओ वाई डैश बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर 1/3 एम ए एम बी स्क्वायर वाई एक्स ओ एक्स डैश के लॉन्ग, 1/3 एम ए स्क्वायर हो गया वाई ओ वाई डैश के लॉन्ग, और फिर दोनों का सम क्या हो गया 1/3 एम ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि देखिए आप लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का एक अगर देखना चाहते हैं तो इसी तरह का कुछ होता है सीन। ठीक है, ये एक प्लेन लेमिना होता है जो कि बहुत पतला है, इसका विड्थ नेग्लिजिबल है, तो और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है प्लेन पर, और एक जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है इस पर, तो इसका जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया वो आई एक्स और आई वाई के इक्वल। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे ये थ्योरम, आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलने लगा क्योंकि पढ़िए डायनेमिक्स।